like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the... So dosto, I'm sure jaisa ki aapne thumbnail mein padha hai, ओपन एंड लो एंड ओपन एंड हाई सेम गांधी जी की स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज से ढाई से तीन साल पहले मैंने आपके पास दो से तीन वीडियो आपको दी जिसमें हमने बात करी बुलिश माराबोजू एंड बेरिश माराबोजू के बारे में। आज इस कैंडलस्टिक को जो है हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप खाली इस एक कैंडल को समझकर मार्केट में चाहे फिर आप क्रूड ऑयल ट्रेड करें, बैंक निफ्टी ट्रेड करें या फिर कोई भी स्टॉक ट्रेड करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मार्केट जो है काफी अच्छे से आपको प्रॉफिट देने लगता है। किस प्रकार, चलिए हम आज समझते हैं। टू में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बुलिश माराबोजू एंड बेयरिश माराबोजू बेसिकली होती क्या है, इनका सिंबल, इनका इंडिकेशन आपके लिए क्या रहता है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इट्स अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, विच मीन्स ये क्या कहते हैं, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड इन दिस पैटर्न द कैंडलस्टिक विल हैव ओनली रियल बॉडी। सो गाइज, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, ये आपका बुलिश माराबोजू, ये है आपका बेरिश माराबोजू। इसमें किसी भी प्रकार की आगे या पीछे कोई भी विक या कोई भी नोज या कोई भी लेग नहीं है, ये आपकी बाल्ड कैंडल कहलाती हैं। इन कैंडलस्टिक का फायदा ये रहता है कि इसमें आपको परसेंटेज जो है इधर बायर्स की 100% मिलेगी और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100% सेलर्स की परसेंटेज मिलेगी, बिकॉज आगे पीछे यू डू नॉट सी एनी विक। इनको बाल्ड कैंडल भी जो है कहा जाता है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जब हम बात करते हैं बुलिश माराबोजू की, यहाँ पर आपका हमेशा ओपन एंड लो प्राइस जो है सेम रहता है एंड क्लोज एंड हाई प्राइस जो है सेम रहता है। विच मीन्स मार्केट ने अगर 100 रुपए से शुरू किया, अगर 125 के आसपास मार्केट खुला आपका 100 रुपए पे, तो उसका लो प्राइस भी जो था वो 100 ही था एंड मार्केट ने अपने लो को सारा दिन ब्रेक नहीं किया एंड इसमें जबरदस्त जो है लोगों की बाइंग होती रही एंड इवन टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द डे आप देखेंगे मार्केट का हाई एंड क्लोज प्राइस जो है वो आपका सेम है। दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि मार्केट ने पहली बात आज के दिन में अपने लो को टच भी नहीं किया, अपने लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट में सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी हुई है एंड एंड में जब मार्केट क्लोज हुई तब भी वो बिल्कुल हरी बड़ी कलर की एक जबरदस्त कैंडल में बंद हुई एंड अभी भी इसमें किसी भी प्रकार का सेलिंग प्रेशर जो है देखने को नहीं मिला। कुछ इसी प्रकार अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है आपका ओपन प्राइस एंड हाई प्राइस जो है आपका सेम रहेगा। बेरिश माहौल में जब हम बात करते हैं मार्केट में, यहाँ पर सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बुलिश माराबोजू किस प्रकार काम करता है। आप देखेंगे मार्केट में बेसिकली इस समय चल क्या रहा है, बैक टू बैक आपका मार्केट जो है नीचे फॉल कर रहा है, विच मीन्स मार्केट जो है आपका एक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है। गिरती हुई मार्केट में एक इस टाइप की कैंडल, विच मीन्स एक ऐसी कैंडल जिसमें ओपन एंड लो प्राइस सेम है, हाई एंड क्लोज प्राइस जो है सेम है, दिस बेसिकली इंडिकेट्स, दिस बेसिकली गिव्स यू मैसेज कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का जो है अंत हो चुका है एंड यहाँ से जो है बायर्स मार्केट में तेजी ला सकते हैं। दी ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज आपको क्या करना है, वेन एवर यू सी सच कैंडल्स डाउन ट्रेंड के अंदर, आप इस कैंडल का जो है हाई मार्क कर सकते हैं, लो जो है मार्क कर सकते हैं एंड हाई के ऊपर अपना एक एडवांस ऑर्डर लगा के अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। सो ये जो था एग्जाम्पल, ये था आपका बुलिश माराबोजू का, विच मीन्स पहले क्या हो रहा है, I'm sure you would see that in case if you start doing a back test कि market जो है उड़ रहा है, उड़ती हुई market में bullish माराबोजू का मिलना इतना महत्व नहीं रखेगा जितना कि आपका गिरती हुई market में। Market falling, bullish माराबोजू आया and वहाँ से market जो है ऊपर चला गया। वन में हमने देखा कि bullish माराबोजू and bearish माराबोजू
किस प्रकार का दिखता है। नाउ वी जस्ट अंडरस्टूड कि मार्केट में बुलिश माराबोजू किस प्रकार काम करता है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जो है एक आपका अप ट्रेंड में जो है चल रहा है एंड यहाँ पर कहीं जो है एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद एक अप ट्रेंड में यहाँ पर क्या होता है, इन केस इफ यू सी दैट कि मार्केट में उड़ती हुई मार्केट में, काफ़ी आराम से समझना मेरी बात को, गिरती हुई मार्केट में अगर आपको बुलिश माराबोजू मिलता है एंड उड़ती हुई मार्केट में आपको एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें इसका ओपन एंड हाई प्राइस सेम है, लो एंड क्लोज प्राइस सेम है, दिस बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया। ये सिंपल सा एक प्योर बॉडी वाला कैंडलस्टिक, एक बाल्ड कैंडलस्टिक आपको बताता है कि इस कैंडलस्टिक के अंदर 100% सेलर्स की मात्रा है, विच मीन्स सेलर्स जो हैं काफ़ी हावी हैं। आपको कैंडल देखते के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में बुलिश माहौल है या बेरिश माहौल है, बायर्स हावी हैं या बेरिश आपका सेलर्स हावी हैं। सो इस कैंडल के लो के नीचे आप क्या कर सकते हैं, सेल की पोजीशन बना सकते हैं, हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर देके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप देखेंगे मार्केट में अगर आप सही एंट्री पकड़ते हैं देन कितना ज़बरदस्त रिवॉर्ड मार्केट में मिलता है। ये आपका कहलाता है बेरिश माराबोजू, ये कहलाता है। ये क्या है आपका, इस समय मार्केट जो है आपका डाउन ट्रेंड में है, यहां से यहां जो है आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड यहां पर ये कैंडल क्या कहती है, ये कैंडल आपको फिर से दिखाती है कि मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। सो बुलिश माराबोजू एंड बेरिश माराबोजू पहली चीज आपको ये बताते हैं बायर्स की उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के अंदर जो है स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ है, यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ है। दूसरा, ये मार्केट में रिवर्सल पैटर्न होते हैं, विच मीन्स उड़ती हुई मार्केट में इफ़ यू हैव दिस टाइप की कैंडल तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, गिरती हुई मार्केट में अगर आपका इस टाइप का कैंडल कुछ बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सो ये आपकी रिवर्सल पैटर्न भी जो है कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा, आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको मार्केट में अच्छे से समझ में आ जाएगी किस प्रकार दिखता है एंड आने के बाद किस प्रकार की मूवमेंट जो है देखी जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आई एम श्योर नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक मार्केट में किस प्रकार काम करता है। मार्केट में हमने समझा कि आप एक चीज को किस प्रकार अच्छे से समझ सकते हैं एंड प्लान आउट कर सकते हैं अपने ट्रेड को इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेस पर। नाउ इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर किस प्रकार ढूंढा जाए, इंट्राडे में किस प्रकार ढूंढा जाए, पोजिशनल ट्रेड के लिए किस प्रकार ढूंढा जाए, इस सिनेरियो में हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं किस प्रकार मार्केट में चीजों को समझकर आप पैसे कमाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में बुलिश माराबोजू या बेरिश माराबोजू को किस प्रकार ढूंढा जाए, आपको करना क्या है, आपको गूगल अप करना है chartinc.com। वी विल बी यूजिंग वन स्कैनर इन ऑर्डर टू फाइंड कि मार्केट में किस प्रकार अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए। जब आप chartinc पर क्लिक करेंगे, chartinc.com को ढूंढेंगे, कुछ इस प्रकार का सरफेस जो है आपके सामने निकल के आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट स्कैन। क्रिएट स्कैन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक करना है। अब हमारी वेरी फर्स्ट कंडीशन मार्केट में क्या रहती है, जब हम ढूंढते हैं बुलिश माराबोजू, हमारा ओपन एंड लो प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर लिखा 15 मिनट्स,
यहाँ से जो है आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, कुछ भी टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओपन इज इक्वल्स टू लो प्राइस। सो ये हमारे पास कंडीशन हाई हमारी बुलिश मारा बोजू की। नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू चूज कि आप जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं, निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं, पर आके आप करेंगे ओपन इक्वल्स टू लो, हाई इक्वल्स टू 15 मिनट क्लोज। सो दिस इज बेसिकली हमारा रूल रहेगा बुलिश मारा बुजुगा। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस रन स्कैन, आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज निकल के आ जाती हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट कि मार्केट में कौन कौन सी वो कैंडल हैं इस टाइम पर जहां पर बुलिश मारा बुजू बन रहा है। Try to understand कि मार्केट में अगर आपको होल्डिंग बेसिस के ट्रेड ढूंढने हैं तो वो किस प्रकार ढूंढे जाएं। यहाँ पर हमने देखा कि 15 मिनट्स का ओपन इज इक्वल टू लो एंड 15 मिनट का हाई इज इक्वल टू क्लोज। सो द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज आप यहाँ से जो है टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन प्लान आउट योर ट्रेड। आप इसको जो है लेटेस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, लेटेस्ट ओपन इक्वल टू लेटेस्ट लो एंड आपका लेटेस्ट। So, ये जो आपके पास सारे स्टॉक्स निकल के आएंगे, ये सारे वो स्टॉक्स होंगे जिसमें आपका डेली में इस समय पर बुलिश मारा बोजू टाइप कैंडल जो है बन रहा है। इसको हम कर लेते हैं 6 months, इसको कर लेते हैं हम डेली। नाउ यू वुड सी दैट ये हमारे पास आज के दिन में एक बुलिश मारा बोजू आया है, वो भी सारी हमारी कंडीशंस जो है वो मीट कर रहा है। क्या है, मार्केट आपका डाउनफॉल में है, यहाँ पर एक आपका बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल अगर आप 5 से 7 स्टॉक्स देखेंगे तो आपको आपके मतलब की चीज जो है मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बुलिश मारा बोजू है एंड ओवरऑल अभी इस समय अपने रेसिस्टेंस के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। सो गाइज आई एम श्योर नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक के पैटर्न को जो है अच्छे से समझ पाए। दूसरा हमने सोचा कि मार्केट में, समझा कि मार्केट में उसके सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं। तीसरा हमने समझा कि मार्केट में उसे आप इंट्राडे में किस प्रकार ढूंढ सकते हैं एंड नाउ वी अंडरस्टूड कि मार्केट में आप पोजिशनल ट्रेड किस प्रकार प्लान कर सकते हैं। आई एम श्योर यू वुड सी दैट ये जो आपका कैंडल है इट इज सच अ ह्यूज कैंडल। अगर आप कंपैरिजन करें पिछली कैंडल्स में, ये काफी जबरदस्त बिग बैंग कैंडल है जो मार्केट में बुलिश की स्ट्रेंथ आपको दिखाता है, 100% बायर्स हैं। सो ओवरऑल चांस रहेगा कि यहाँ पर जो है आपका एक ब्रेकआउट आज तो नहीं, कल या परसों के दिन में हो जाए। सो इस प्रकार आप अपने ट्रेड्स को जो है आगे के लिए प्लान कर। सो आई एम श्योर दोस्तों अब जो है आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आर वी गोना एंड दिस वीडियो नाउ? नो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मार्केट में पैसा आप तभी कमा सकते हैं जब आप चीजों को अच्छे से समझ पाए हैं। मैंने अपनी तरफ से आई गेव माई 100% एंड आई हैव ट्राइड टू गिव यू 100% नॉलेज अबाउट दिस बुलिश मारा बोजू। नाउ आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपकी नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है? आप 10 से 15 दिन तक मार्केट में, लाइव मार्केट के अंदर बैक टेस्ट करें, लाइव मार्केट में चीज़ों को देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड सही निकलते हैं, इट मीन्स आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का जो है जुगाड़ आगे के लिए हो चुका है। आगे आप घर बैठे बैठे जो है मार्केट से पैसा कमा सकते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप 10 से 15 दिन मार्केट में चीज़ों को देखें कि चीज़ें किस प्रकार काम कर रही हैं। मार्केट में अपना एक एक्सेल शीट मेंटेन करें या एक कॉपी पेन लेकर बैठें, कैंडल का हाई लो एंट्री प्राइस नोट करें एंड देखें 10 दिन के अंदर कितने ट्रेड आए, कितने सही गए, कितने खराब गए। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन से इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।